अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए सूप की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है और आपको ये ज़रूर पसंद आएगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पे मैंने बॉयल किया हुआ चिकन एक कप लिया है और इसमें मैंने नमक और ब्लैक पेपर डालूँगी एक एक टीस्पून, और इसको मैरिनेट करेंगे हम। इससे फ्लेवर चिकन के अंदर बहुत अच्छा सा आ जाता है। जब हम सूप पीते हैं तो चिकन में बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है, तो इसको हम मैरिनेट करके एक साइड पे रख देंगे। दूसरी तरफ हम ऑयल ले लेंगे 3 से 4 खाने के चम्मच। इसमें 1 खाने का चम्मच डालेंगे लहसुन का, थोड़ा सा गोल्डन कलर होगा तो साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चिकन जो हमने मैरिनेट किया था, नमक और काली मिर्च ऐड लगा के। तो साथ ही हम सब्ज़ियाँ ऐड कर देंगे, गाजर और बंद गोभी लिया 1-1 कप। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा वेजिटेबल्स को कर सकती हैं, और अपनी चॉइस के मुताबिक आप मज़ीद वेजिटेबल्स, डिफरेंट वेजिटेबल्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। थोड़ा सा इसे हम सोते करेंगे, जैसे ही थोड़ा सा सोते हो जाएगा इसमें यखनी ऐड कर देंगे और रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर मैंने 1 टीस्पून लिया, यखनी मैंने 4 ग्लास लिया। इसमें से थोड़ी सी यखनी मैंने निकाल ली है इसको थिकनेस के लिए, तो इसमें मैं कॉर्न स्टार्च ऐड करके तो इसे थिक करूँगी। इससे पहले हम इसके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। जी इसमें थोड़ा सा जोश आ जाता है तो हम इसमें सोया सॉस और चिली सॉस ऐड कर देंगे। सोया सॉस मैंने 4 खाने के चम्मच लिया, चिली सॉस मैंने 2 खाने के चम्मच लिया है, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें अब मैं अंडे डालूँगी भैंड के। जैसे थोड़ा सा जोश आ जाएगा इसको, तो इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके अंडा डालेंगे और इसे हम मिक्स कर देंगे। अब हम इसके अंदर कॉर्न स्टार्च ऐड करेंगे। सॉल्ट और पेपर आप अपनी टेस्ट के मुताबिक मज़ीद ऐड कर सकती हैं, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं ऐड किया क्योंकि हम बाद में इसको अपने चॉइस और टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कॉर्न स्टार्च लिया है 4 से 5 खाने के चम्मच के हमारा सूप है वो अच्छे से थिक हो जाए। अब मैं थोड़ा थोड़ा सा डालूँगी और इसको साथ साथ मिक्स करती जाऊँगी। जैसे ही ये ट्रांसलूशन सा हो जाएगा वाइट से, तो इसको हम उतार लेंगे और इसे डिश आउट कर लेंगे। तो आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो इसके साथ मैंने सॉसेजेस भी सर्व की थी और साथ में मैंने स्नैक्स भी सर्व किए थे। आई होप आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। विनीगर के अंदर मैंने ग्रीन चिलीज काट के डाली थी। अच्छी लगे तो दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह।